कहिए, अपनी कौशल्या मैया से नहीं मिले, अपनी कैकई मैया से मिले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने प्रणाम नहीं किया, प्रथम राम भेटी कैके। सबसे पहले राम जी ने माँ कैकई को भेटा। राम जी माँ को भेटेंगे नहीं, राम जी माँ को दंडवत करेंगे। राम जी ने कैकई जी को प्रणाम ही किया था। जैसे रघुनाथ जी माँ कैकई को तो विश्वास नहीं था कि कौशल्या को छोड़ के राम मुझे प्रणाम करने आएगा पहले, और जैसे राम जी ने माँ कैकई को प्रणाम किया, माँ ने अपने आंचल से राम जी को देखा, माँ अपने आप को रोक नहीं पाई, हो कैकई मैया रघुनाथ जी को उठाकर माँ ने गले से लगा लिया। आप जब किसी के गले लगते हैं माई बाप, तो सामने वाले का मुख आपके कान पे चला जाता है और आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाता है। कैकई मैया ने रात, अब भरत मुझे माँ नहीं कहता है, कोई मेरे से बात भी नहीं करता है राम, इस हजारों की भीड़ में तुम्हारी माँ अकेली हो गई है। राम जी ने कहा, माँ संसार तुमसे बात न करे तो क्या हुआ, देखो आज राम आया तो राम सबसे पहले अपनी माँ कैकई के ही पास आया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। माँ को भरोसा हुआ, सभी माताओं को प्रणाम करके राम जी सबको लेकर गए चित्रकूट। और आपसे बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी जाते समय भई, तुरंत गुरुदेव ने जगत की नायिक चर्चा करके पूरी सूचना राम जी को दी, आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई, अयोध्या के लोग आपस में बैठे, गुरु जी ने कहा कि मेरी बात यदि मानते हैं आप लोग तो मैं कहता हूं राम राजा है। और यहां देखिए गुरुदेव ने पूरा खोल के रख दिया। गुरु जी ने कहा राम जीव नहीं है, राम भगवान है, राजा राम स्वबस भगवान। और ऐसे वैसे भगवान नहीं है, राम ऐसे भगवान है कि त्रैलोक्य उनकी आज्ञा का पालन करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य पवन पावन यम दिगपाल सब राम की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं रघुकुल का गुरु हूं, यदि मेरे से आप लोग उपाय पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि राम की ही आज्ञा का पालन करने में हमारा आपका सबका हित है, क्या किया जाए। भरत जी बोले, गुरुदेव आप कहिए क्या किया जाए। गुरु जी बोले, भरत यदि आप तैयार हो जाए, राम के स्थान पर आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल के लिए बन जाने को तैयार हो जाए ना, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। यदि आप दोनों भाई 14 साल वन में रह जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके चला जाऊंगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव इस पापी के यदि वन में जाने से रघुनाथ जी वापस चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरु जी, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव, फिर भरत मैं जीवन भर के लिए वन में रह जाऊंगा गुरु जी, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या गुरुदेव। कानन करम जन्म भर बासु, पूरा जीवन वन में बिता दूंगा। एहिते अधिक नमो सुपासु। भरत जी ने कहा कि जीवन पर्यंत वन में रहूं जा रह जाऊंगा, गुरुदेव की मति हेरा गई। क्यों? इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा, उनकी बुद्धि हरा गई। कुछ नहीं बोले, सबको लेकर राम जी के पास गए। राम जी बोले, क्या आज्ञा है गुरुदेव। गुरु जी बोले, राम मैं अब आज्ञा देने लायक नहीं बचा, तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने
मेरे सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है राम। मैं तो कहता हूं जो भरत बोल रहे हैं वही कर लिया जाए अब। राम जी बोले ठीक है गुरुदेव, मैं भी कह रहा हूं जो भरत बोल रहे हैं वही मैं करूंगा। गुरु जी ने कहा भरत जी से, बाबू अब इससे सुंदर अवसर नहीं मिलेगा बेटा, आपके भैया बोल दिए हैं, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, आज जो जो बोलना है बोल जाओ। भरत जी खड़े हुए, कहे गुरु जी एक उपाय हमको बताए हैं भैया, कहिए तो वही मैं बता दूं। राम जी बोले कहो। भरत जी बोले भैया अरे हमार भैया जी हो हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार।